डब्ल्यूबीजी की तरफ से देख सकते हो एक नोटिस आया है 3 सितंबर को, इसमें क्या बताया गया, इसमें सारा कुछ डिटेल्स बता दिया गया। वैसे तुम्हें तो पता ही था कि 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो डब्ल्यूबीजी की तरफ से ये बताया गया कि 6 सितंबर को दोपहर के करीबन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा मॉपअप राउंड का, ठीक है। तो जैसे कि सेक्शन 7.0 और 7.1 जरा देख लेना, वही मॉपअप के बारे में बताया गया। तो देखो यहाँ पर पॉइंट ए में क्या मेंशन किया गया है कि सपोज आप एडमिशन करवा चुके हो राउंड 1 राउंड 2 में, देन यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर मॉपअप में कोई सीट मिल जाता है, अगर मॉपअप में कोई सीट मिल जाता है देन एडमिशन जो करवाए थे राउंड 1 हो या राउंड 2, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे सभी कॉलेज बता दिए है एक्सेप्ट टेक्नो, पता नहीं टेक्नो क्यों ऐसा बात बोल रहे हैं कि आपका जो रिफंड है वो नहीं मिलेगा। लगभग सारे कॉलेजेस ही बोल रहे हैं कि जो रिफंड है आपका मिल जाएगा अगर मॉपअप में कोई कॉलेज मिलता है तो, ठीक है। पॉइंट बी में क्या बताया गया है, दोज हु वेर अपग्रेडेड टू अदर देन देयर फर्स्ट चॉइस और वे आर नॉट अपग्रेडेड एट ऑल इन राउंड 2 एंड डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन। सपोज आपका राउंड 2 में कुछ अपग्रेडेशन हुआ था, सपोज राउंड 1 में कोई आपका कॉलेज अलॉट हुआ था, ओके, देन राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन हुआ, या सपोज आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, देन ऑल्सो यू कैन पार्टिसिपेट इन मॉपअप। लेकिन ये बात ध्यान रखो कि सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे कर चुके होगे, अगर सीट एक्सेप्टेंस फी तुम पे नहीं किए हो देन यू कैनॉट पार्टिसिपेट इन मॉपअप। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि फिजिकल वेरीफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वो तो मैंने करवाया नहीं। अब देखो अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था ना, तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जरूरी था, ओके। एंड सपोज आपको राउंड 2 में जाके कॉलेज अलर्ट हुआ, सपोज राउंड 1 में कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ था, राउंड 2 में जाके कॉलेज अलर्ट हुआ, देन आपको सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। तो एक बात फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला था फर्स्ट टाइम, देन सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों चीज़ करवाना था। लेकिन सपोज आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में जाके कोई कॉलेज मिला, देन आपको सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी कंपलसरी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं था, जो कि पॉइंट सी में बताया गया। तो पॉइंट सी देख लो, काफ़ी सारे स्टूडेंट डाउट होगा पॉइंट सी में, तो मैं एक बार बता दिया, जरा फिर से वीडियो को देख लो, ओके। एंड डी में क्या बताया गया, दोज हु डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1 और राउंड 2। तो देखो तुमको कुछ नहीं करना है, बस मॉपअप में जाओ एंड रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन कहाँ करा, रजिस्ट्रेशन वही डब्ल्यूबीजी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके करना होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल मत करो, जो मॉपअप राउंड है इसको बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है। कटअप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये कन्फर्म है। जैसे देख सकते हो राउंड 1 से राउंड 2 जाने में ना कटअप उतना नहीं बढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत कटअप बढ़ा था, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि राउंड 2 से लेके मॉपअप का जो कटअप है वो काफ़ी इंक्रीज करने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज का तो मॉपअप तक ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज का कटअप उतना ना बढ़े, मतलब बढ़ेगा लेकिन उतना ना बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो कटअप काफ़ी बढ़ने वाला है, ठीक है, मॉपअप राउंड में। तो हर एक स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अटेंड कर लो, ओके, अच्छा रहेगा अगर तुम अटेंड करते हो। तो पॉइंट सी को जरा मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि ये पॉइंट सी समझ में नहीं आया। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सपोज आपको राउंड 1 में ही सीट अलॉट हो गया था, देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी एंड डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना कंपलसरी था टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप। अब सपोज वो स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ था, राउंड 2 में जाकर सीट अलॉट हुआ था, तब उनको सिर्फ और सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना था, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाना कंपलसरी नहीं था। तो आई होप आप लोग समझ गए होगी कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, ये सब एलिजिबल क्राइटेरिया जो ए बी सी डी है ना, ये सब एलिजिबल क्राइटेरिया है टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप। अगर कुछ भी अपडेट आता है रिगार्डिंग मॉपअप या डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग तो मैं तुरंत उसको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बस चैनल पर बने रहो आप लोगों।